रहमान रहीम, अस्सलाम अलैकुम। आज मैं बना रही हूँ देसी चिकन। तो देसी चिकन की सारी मैंने तैयारियाँ कर ली हैं और ये मेरे पास 3 पाव चिकन हैं। उसके लिए मैंने बड़े 5 ओनियन लिए और ये ग्राइंड कर लिए हैं इसको, और मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, और ये सारे साबुत गरम मसाले हैं हमारे, और ये पिसे हुए हैं। ये मैंने 3 इसको धनिया पाउडर 3 चम्मच लिया है, और मिर्ची मैंने 2.5 चम्मच के करीब लिए। ये आप अपने हिसाब से ले सकते हैं कम ज़्यादा। और मैंने कुछ बादाम लिए हैं, कुछ काजू लिए हैं, और एक हरी इलायची ली है। 2 हरी इलायची मैंने इसमें ले चुकी हूँ, और थोड़ा सा मैंने लिया खसखस। गरम मसाले तो सारे खड़े जो गरम मसाले आते हैं वही सारे गरम मसाले हैं, और मैं इन्हें ना इन सबको मैं इसमें पीसूँगी। मैंने 3 चम्मच तेल लिया है, मैं सारे गरम मसाले इसमें ऐड कर दूँगी। अब मैं इसमें ऑनियन का पेस्ट ऐड करूँगी। हमारी ऑनियन थोड़ी रेड हो चुकी है, हल्के सुर्ख हो चुकी है, तो अब मैं इसमें चिकन ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाह। अब हम डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर, और नमक, मैंने काजू बादाम का पेस्ट भी तैयार कर लिया है। इसे 10 मिनट हो गए हैं मुझे भूनते हुए, और मैंने ये है ना 1 लीटर दूध लिया है, इसको मैंने फाड़ लिया है नींबू डाल के, क्योंकि मैं कुछ बनाना है चमचम, तो अब मैं इसको छानती हूँ। मैंने छान लिया है, हमारा पनीर भी माशाल्लाह अच्छे से निकल गया है, और ये पानी भी अलग हो गया है। तो ये पानी को मैं फेंकूँगी नहीं, मैं इसका आटा गूंद लूँगी, क्योंकि मैंने ये अभी जस्ट दूध लिया था, बिल्कुल ताज़े दूध का मैंने इसको बना रही हूँ, तो इसलिए बिल्कुल अच्छा है, तो मैं इसको इस्तेमाल कर लूँगी। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूँगी। लहसुन का पेस्ट डालने के बाद भी करीब 10 मिनट भून चुकी हूँ मैं इसे। अब मैं ये सारे मसाले ऐड कर लूँगी। 5 मिनट करीब भूनते हुए हो चुके हैं मुझे। अब मैं ये जो मैंने बादाम काजू का पेस्ट बनाया था इसको डाल दूँगी। हमारा मसाला भून रहा है, तब तक के मैंने इसे भी एक कपड़े से कर दिया है, निकाल दिया है, और बिल्कुल ये सॉफ्ट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से मथेंगे। रस मलाई बना रही हूँ, अब चमचम का बच्चों ने मना कर दिया है कि रस मलाई खाना है उन्हें, तो मैंने सोचा चलो रस मलाई बना देती हूँ। तब पहले इसको मथेंगे, और इसको हम इस स्टेज पे लाएंगे, बिल्कुल ये सॉफ्ट और नरम हो जाए, इस तरीके से मथेंगे हम। और ये सब 10-5 मिनट नहीं, किसी को 10 मिनट लगते हैं, किसी को 5 मिनट लगते हैं, किसी को 3 मिनट में अच्छा हो जाता है ये, तो ठीक है मैं इसको मथती हूँ और इसको भी देखते जाती हूँ। अब मैं हमारे चिकन में पानी डालकर इसे गलने के लिए रख दूँगी। मैं 1 गिलास से करीब पानी डाल देती हूँ और इसे बंद कर देती हूँ। और मैंने इतना मथ लिया है, इस पोजिशन में भी आ चुका है, अभी और मैं मथूँगी इसे। अब मैंने करीब 3 कप पानी लिया है, जो ऐड करूँगी। अब हम इसे गर्म होने देते हैं, अच्छे से इसको उबलने देते हैं। अब ये इतना सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। अच्छे से मैंने फिर मथ के इनको पीस कर लिए हैं, और मैं ऐसा गोल दबा दे रही हूँ उसको हाथ से यूँ करके। मैंने पूरे बना लिए हैं, और हमारी इधर चाशनी भी रेडी हो रही है माशाल्लाह से, और मैं अब इसको डालती हूँ। बिस्मिल्लाह। आप इसमें डाल दें इसको सबको,
करीब 10 मिनट तक हम इसको अच्छे से उबालेंगे। इसको एक बार 5 मिनट तक खोल देंगे, फिर पलटाएंगे। ये मेरे छोटे इसको फिर धीरे से आप पलटते भी जाए। अभी मेरे एक हाथ में मोबाइल है, मैं इसको रख के पलटती हूँ। थोड़ी सी देर ढाकते हैं, ये देखिए बड़ी हो जाती है, थोड़ी फूल जाती है। मैंने इनको पलटा दिया था एक बार का, ये अच्छे से माशाल्लाह फूली फूली बनी है। अब बस हो चुकी है, 5 मिनट हो चुके हैं, मैं इसको बंद कर देती हूँ। अब मैं इसको उतार के रख दूँगी और मैं इसको 10 मिनट इसमें ही छोड़ दूँगी। मैंने दूध लिया है, अब इसमें मैं केसर ऐड करूँगी और मैंने शुगर डाल दी है और अब मैं इलायची पीस के डालूँगी। इलायची डाल दी है मैंने, अब मैं इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड करूँगी, येलो वाला। मैंने ये दूध पर पूरी दूध की मलाई ले ली थी ताकि मुझे ना ज़्यादा मेहनत नहीं लगे इसे गाढ़ा करने के लिए। जब तक थोड़ा गाढ़ा हो रहा है तक मैं ड्राई फ्रूट, आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं इसकी चॉपिंग कर लेती हूँ। मैंने चॉपिंग कर ली है, अब मैं सारा ड्राई फ्रूट दूध में ऐड कर दूँगी। बिल्कुल रेडी है, अब मैं इसको बंद कर देती हूँ। अब हम क्या करेंगे, मैंने बिल्कुल फ्रिज का पानी लिया है ठंडा, मेरे पास आइस जमी भी नहीं थी, इसलिए अब हम इसको बिल्कुल ये गरम गरम को हम इस ठंडे पानी में ऐड कर देंगे। बिल्कुल उसको झटका लग जाएगा, बिल्कुल गरम से बिल्कुल ठंडे पानी में चले जाएगी ये। और इसमें चाशनी भी थोड़ी सी ऐड कर देंगे। ये देखिए बिल्कुल ठंडे पानी में हम 5 मिनट रहने देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसे निकाल के इधर रख दूँगी सभी को। मैंने एक ट्रे में निकाल ली है, अब मैं इस पर ये पूरा ऐड कर दूँगी। अब इसमें हम माशाल्लाह से 10 मिनट तक रहने देंगे। अब इसे 15 मिनट में ऐसे ही छोड़ देती हूँ और मैं रोटी और चावल बना लेती हूँ तब तक के। और ये अच्छे से भीग जाएगी ना तो पूरा ये पीली हो जाएगी। अब मैंने तैयार कर लिया है फ्रूट सैलेड, जिसके लिए मैंने एप्पल और ऑरेंज लिया है। बस मेरे पास 2 ही फ्रूट्स थे तो मैंने वेज भी मिला दी इसमें, टमाटो और ये मटर मैंने पहले से उबाल लिए थे। अब मैं इसमें मायोनीस और थोड़े से चाट मसाला वगैरह सब मिला के इसको रेडी कर देती हूँ। मैंने सारे मसाले ऐड करके तैयार कर लिया है, मैं इसको सजा देती हूँ। हमारा चिकन रेडी हो चुका है, चने बॉईल करके रख दिए थे। मैं चाट बना रही हूँ, इसमें मैं सारी चीज़ें मैंने ऐड कर ली, मसाले वगैरह सब ऐड कर दिए हैं। अब प्याज और ये सब चॉपिंग कर ली है मैंने, ये डालूँगी और मिक्स कर लूँगी। अब मैं फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ आपको। ये हमारा फाइनल है माशाल्लाह। और ये मैंने अपने दावत अपने शौहर को दी है, उनके लिए दावत है स्पेशल, क्योंकि वो भी मुझे ले जाते हैं बाहर होटल में खाना खिलाने के लिए, तो मैं भी घर पे देती हूँ उनको दावत। बच्चों के लिए तो रोज़ ही स्पेशल बनाते हैं, कभी शौहर के लिए बनाकर बंदे का दिन स्पेशल बना देते हैं। अब शौहर का इतना हक तो बनता है कि उन्हें उनके लिए भी स्पेशल किया जाए। 8 दिन में एक बार तो मैं इंशाल्लाह ताला स्पेशल उनके लिए भी बना ही देती हूँ माशाल्लाह से। माशाल्लाह सभी चीज़ बहुत अच्छी बनी है। प्लीज़ आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके मुझे मोटिवेट करें। माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है। अल्लाह हाफिज़।